प्रयागराज संगम से मैं अपने गंतव्य स्थान शिमला के लिए निकल चुका हूँ। आंखों में आंसू है, वो क्यों बताऊंगा आपको। क्या करते हैं, बस सफ़र कर रहे हैं ट्रेन का, घर के पास से बिल्कुल जा रही है ट्रेन, घर के पास से हमारे बिल्कुल गुजर रही है। यहाँ से मेरा घर मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर, चैन पुलिंग हुई है, ये भी बैठी हैं सामने, ये भी जा रही है साथ में। इनका भी YouTube चैनल है PES Love Life Blogs, तो उस पर भी आप जुड़िए। मेरा चैनल है PES Love Blogs, तो दोनों के चैनल से जुड़िए और चैनल पे बने रहिए। कहते हैं प्रयागराज संगम से ट्रेन पकड़ चुके हैं, जो कि हम जा रहे हैं, कहाँ पे हम जा रहे हैं, शिमला। लेकिन हम जाएंगे पहले प्रयागराज संगम से, हमने ऊँचा हार एक्सप्रेस पकड़ी हुई है। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हम लोग जाएंगे कालका, और कालका से हम लोगों की है टॉय ट्रेन, तो टॉय ट्रेन को हम लोग पकड़ेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग शिमला के लिए। दिखाएंगे, थोड़ा सा मन बहुत दुखी है क्योंकि कोविड के बाद से घर पे रह गया, तो बहुत ज़्यादा लगा हो गया, थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि मैं बीटेक के समय से बाहर रहा हूँ। लेकिन कई साल, करीब 10-11 साल मेरे जो भी डिग्रियाँ रही उस ड्यूरेशन, लेकिन अभी थोड़ा सा घर में रहने की वजह से पूरा माहौल चेंज हो गया, बहुत रोना आ रहा है। तो चलो, जाना तो है ही, फिर दिखाते हैं आगे क्या है। ज़्यादा रो रही है, इसकी आंखों में आंसू है, आँख लगाना ज़रा, रो रही है, इसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। मम्मी की याद आ रही, पापा की, सबकी याद आ रही। देख लीजिए गंगा जी का पानी कितना ज़्यादा बढ़ गया है चारों तरफ से। अभी हम लोग पापा मऊ में हैं, पापा मऊ में गाड़ी पहुंच रही है, तो दिखा रहे हैं कितना ज़्यादा गंगा जी का पानी बढ़ गया है, मैदान भर गया है। पहले खाली रहता था, बहुत कम मैंने इसको भरा हुआ देखा, पर गंगा जी का पानी बढ़ा था तो पूरा भरा हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी सूख गया है, बस अभी इतना ही पानी रुक गया जहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। प्रयागराज से कालका ही जाना होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है, पर मेरे घर के पास से चंडीगढ़ के लिए आसानी से ट्रेन मिल रही थी, तो मैंने चंडीगढ़ की दो ट्रेनें इलाहाबाद से जाती है उसको मैंने स्क्रीन पे दिखाया पहले, और आप देख लीजिए अब रात का समय है। मेरी रिजर्वेशन कन्फर्म नहीं हो पाई थी, मतलब AC वाली नहीं कन्फर्म हो पाई थी, तो मुझे मजबूरन में स्लीपर में ही सफ़र करना पड़ा है। हम चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और हम AC वेटिंग रूम में स्नान कर लिए हैं, जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा है। आप भी अगर आते हैं तो अपना बिना समय गंवाएं यहां पर स्नान कर लीजिए, क्योंकि आपकी यात्रा आगे की 5-6 घंटे की है, बहुत ही अच्छी है। कालका जाने की हमारी ट्रेन एकता एक्सप्रेस एकदम समय पर आ चुकी है। हम ट्रेन के लिए लाए हैं पेपर बोट, चाय नहीं मिल रही थी, यही पी लो, ये अच्छा है, पेपर बोट है, सॉफ्ट ड्रिंक। हम लोग चंडीगढ़ से एकता एक्सप्रेस है, 30 रुपये फेयर है मात्र कालका, वो हमने पकड़ लिया। और जो मेरा वेटिंग रूम है, जो वेटिंग रूम है सामने देख रहे हैं, उसी के जस्ट सामने बोगी पड़ गई। हमारा लगेज बहुत ज़्यादा था, लगेज था देख लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ी वाली लगेज है, बाकी सब लगेज था। फिर हम यहीं पर चढ़ गए, मैं भी ये बोट से पीने जा रहा हूँ, दिखाता हूँ, बहुत ही स्पाइसी है, रियल में एकदम आम रश है। जर्नी में एक खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो खाने की पीने की, वो हमेशा अपने पास में रखें, क्योंकि स्टेशन पे देखिए चंडीगढ़ स्टेशन से हम गुजर रहे हैं, और चंडीगढ़ की जैसे ही याद आती है हमें रॉक गार्डन याद आ जाता है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। भविष्य में जल्दी ही जाएंगे वहाँ पर और आपको दिखाएंगे जो चंडीगढ़ की शान है, रॉक गार्डन वो ज़रूर दिखाएंगे। ट्रेन बहुत तेज़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है और दिलों की धड़कन भी बढ़ रही है, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही चंडीगढ़ से कालका की जो एकता एक्सप्रेस पकड़ लिए हैं, बहुत ही जल्दी वहाँ हम पहुँच जाएंगे। हमारी जो शिमला के लिए टॉय ट्रेन है वो 12:10 पे है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ 11 बजे तक पहुँच जाएँ और वहाँ हम कुछ खा पी भी लें। एकता एक्सप्रेस की चंडीगढ़ से जो कालका की टोटल दूरी है वो केवल 25 मिनट की है, 25 से 30 मिनट की, जो कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और
बहुत एक्साइटेड भी हो, बहुत चंडी देवी स्टेशन आ गया है। स्टेशन चंडी देवी, इसके बाद हम लोग का कालका आ जाएगा। अभी हम लोग चंडी मंदिर, तो अगर आपको चंडी मंदिर जाना है तो यहीं पर उतरना होगा इसी प्लेटफॉर्म पे। हम ब्लॉग में हमारे बने रहिएगा, हम दिखाएंगे बाद में चंडी मंदिर का। बहुत ही ग्रीनरी जोन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे है, इस टाइप प्लेटफॉर्म है इस तरफ, लेकिन हम लोग आप बैठी रहो। ये देखिए प्लेटफॉर्म, चंडी देवी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जो कि अगला स्टेशन कालका का है। बहुत तेज़ी से ट्रेन आगे बढ़ रही है इस समय, करीब हमारी जो स्पीड है वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। तो जैसे जैसे हम शिमला के नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हवाओं का रुख, मौसम का रुख, बादलों का रुख बदल रहा है, ठंड का अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम शिमला में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, कालका जो है शिमला से सटा हुआ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं शिमला की थोड़ी मोड़ी जो ठंडक है उसका एहसास होना शुरू हो गया है। हम इस समय करीब 22-23 डिग्री टेम्परेचर से गुजर रहे हैं, थोड़ी ठंड का अनुभव हो रहा है, लेकिन एक्साइटेड भी हैं क्योंकि शिमला का मन में पूरा ख्वाब पाल के जा रहे हैं कि शिमला कैसा होगा कैसा नहीं। और ये ट्रेन का एक व्यू देख लीजिए, इस तरह से रिकॉर्डिंग करना ख़तरनाक होता है। कई बार छोटे शहरों में कुछ लोग डंडे से मारकर मोबाइल को गिरा देते हैं, तो इस तरह से आप कभी सुरक्षा पूर्वक ही वीडियो शूट कीजिएगा अगर कभी करते हैं, और कभी गेट पे खड़े होकर वीडियो मत शूट कीजिएगा। ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आपसे ज़्यादा, आपकी जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई वीडियो नहीं होता। मैं खिड़की से शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये भी बहुत ही ख़तरनाक होता है क्योंकि कई बार मोबाइल खोने, गुम होने, और ये मुस्कुराहट जो चेहरे पर दिख रही है ये शिमला की ओर जाने की ही मुस्कुराहट है। और ट्रेन कालका एक्सप्रेस पे लगभग पहुँचने वाली है, हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेज है तो हो सकता है कालका स्टेशन का जो व्यू है वो शायद मिस हो जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाएं। तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम हिमालयन क्वीन, जो कि नाम ही हिमालयन क्वीन है, जो कि कालका से शिमला की तरफ जाने वाली नैरो गेज की गाड़ी है, ये है पीछे वाला जो इंजन का डिब्बा होता है गार्ड का वो है, और हम शिमला की हंसी वादियों में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय यहाँ का टेम्परेचर लगभग 16 डिग्री के आसपास है, हल्का हल्का ठंड का अनुभव हो रहा है। जैसे हम आम जन घरों में एसी चलाते हैं अपने मैदानी इलाकों में 16 डिग्री टेम्परेचर पे, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है, हल्की हल्की ठंडक। और ये मंद मंद मुस्कुराती हुई छोटी छोटी सीटियाँ बजाती हुई ट्रेन शिमला की वादियों में, घनघोर वादियों में, हरे भरे वादियों में निकल रही है, और बहुत जल्द ही हम शिमला के स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। कई छोटे छोटे स्टेशन आए, 102 टनल आई छोटी छोटी, बहुत ही एक्साइटेड जर्नी थी। ये ट्रेन का व्यू देख लीजिए कितना प्यारा है, ये हमारी टॉय ट्रेन, इसका एक्सक्लूसिव वीडियो आपको आगे मिलेगा। तो अगर इस चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिएगा। हम शिमला स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये हमारी जो टॉय ट्रेन थी वो देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही मतलब मस्त ट्रेन थी, क्या बताएं। और हमारा जो रूम था बुक, वो हमने यहीं रिटायरिंग रूम बुक किया था क्योंकि हम शिमला में बिल्कुल नए थे और हमारे लिए अननोन प्लेस था, तो हम नहीं चाहते थे कि हम बहुत दूर जाएं और ठगा महसूस करें, तो हमने यहीं पे अपना रिटायरिंग रूम बुक कर लिया। और मेरी ख़ास बात है कि मैं बिल्कुल नए शहर में जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास लगेज ज़्यादा हो तो रिटायरिंग रूम में ही हमारा सामान या होटल बुक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं रेलवे के रिटायरिंग रूम को प्रेफरेंस देता हूं, और वैसा ही हुआ मेरे साथ, और मैंने 2 दिन के लिए यहां पर रिटायरिंग रूम बुक किया था। और जिस ट्रेन से हम आए थे हिमालयन क्वीन, वो दूसरे यात्रियों को लेके वापस कालका के लिए रवाना हो चुकी है। हम हल्का सा स्नैक्स और कॉफ़ी ले रहे हैं, उसके बाद हम अपने रूम के लिए अग्रसर होंगे। तो चलिए मिलेंगे नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।